जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पार्टीज बनी और बहुत सारे वादे जो है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए। मेरे साथ हैं अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्ली टाइम्स में। सर, किस तरह जो है आज की जो आजकल जो महंगाई बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, पेट्रोल और डीजलों के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, अपनी पार्टी जो है कहाँ पे स्टैंड करती है और सरकार से जो है, जो केंद्र सरकार से जो है, क्या बातचीत, क्या फाइट चल रही है इस महंगाई को लेके, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके? देखिए, इस वक्त मरकज़ में जो सरकार है वो बीजेपी एनडीए की सरकार है। यहाँ चूंकि यूनियन टेरिटरी है जी, यूनियन टेरिटरी भी डायरेक्टली मरकजी सरकार के अंडर आती है। Exactly. तो इस वक्त जो भी कहीं पे गलती होती है या गलत फैसला लिया जाता है, इसकी जिम्मेदारी मरकजी सरकार पर ही आती है। अपनी पार्टी का मानना है जिस तरीके से पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस रखे गए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाई। महंगाई बहुत बढ़ गई है, अनअफोर्डेबल हो गया है पेट्रोल और डीजल, और यही वजह हुआ है कल जब ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल दी थी तो गवर्नमेंट को अच्छा कदम किया उनके साथ बातचीत करके, लेकिन किराया में बढ़ोतरी करनी पड़े। उससे आम आदमी हिट हो गया, उससे आम आदमी पर बोझ बढ़ गया। पिछली बार भी मैंने अपनी तरफ से ट्विटर में कह दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को लोगों की इस समत में मदद करने की ज़रूरत है। मसलन सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस इस पे लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाती है। अगर टैरिफ में फ़र्क नहीं हो सकता था, लेकिन टैक्सेस में कमी करते तो शायद आम आदमी को राहत मिलती। सर, लगातार जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू कश्मीर में डाला गया, और जम्मू कश्मीर की जनता का कहना है कि सूरत हाल ऐसी है ही नहीं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कोविड का दौर है और ये टैक्सेस जो जम्मू कश्मीर में लगाए गए, इस पे क्या कहना है आपका पार्टी प्रॉपर्टी? देखिए, अपनी पार्टी ने तो वाजह कर दिया पहले दिन से ही प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में पहले यहाँ ऐसे हालात थे, बंद था, बाकी चीज़ें थी, उससे भी यहाँ की इकॉनमी मुतासिर हो गई। दूसरा, कोविड की हड़ताल की वजह से भी, कोविड के वजह से भी यहाँ की इकॉनमी पूरी तरह नष्ट हो गई। तो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाना अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स शुड बी डेफर्ड। और साथ ही हमारा ये मानना है इस वक्त जो ये सरकार है ये वन मैन शो है, यह अवामी सरकार नहीं है। ये इसका फैसला अवामी सरकार ही करे कि किस इसका कंटूर्स क्या होंगे, क्या क्या रेट क्या होगी, कैसे ये लगाया जाए। मरकजी सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात को इस तरह से, इन हालात में टैक्स लगाना मुनासिब नहीं है। हमने मुतालबा किया है एलजी साहब से कि ये फैसला जो है ये मौखर करने की ज़रूरत है। सर, अभी जो है डीसी इलेक्शंस हो गए, अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आगे हो जाएंगे, डीलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है। आपके एक पार्टी के लीडर कहते हैं कि जो भी डीलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें जो है बीजेपी और एनसी जो है मैच फिक्सिंग कर रही है। एक तरफ से अल्ताफ बुखारी साहब ये कहते हैं कि हमें जो है दिल्ली में सीधा बात है और दिल्ली की सरकार से हम लोग बात करते हैं, और दूसरी तरफ से आपकी पार्टी के जो है लीडर कहते हैं देखिए जुल्फकार साहब का ये ट्वीट आया है। ये ट्वीट करने का मकसद है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लोगों के नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, उनकी जिम्मेदारी है, बिकॉज ऑफ दी बीइंग पार्लियामेंट मेंबर्स दे वर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। जब वो नहीं आते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इंटरेस्ट का दिखाई नहीं करेंगे। यह जब डिलिमिटेशन कमीशन होता है इसमें फिक्सिंग ऑफ सीट्स का सवाल होता है, एरियाज डिटरमाइन करने होते हैं, एक सजेशंस दे जाते हैं कि नहीं भाई ये ब्लॉक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा बनना चाहिए, ये रिजर्व होनी चाहिए, वो रिजर्व होनी चाहिए, यानी लोगों के इंटरेस्ट्स का ख्याल रखना पड़ता है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं करती है तो फिर वहाँ बीजेपी के ही लोग रहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट मीन्स दे आर गिविंग फ्री हैंड टू द बीजेपी, और जो कश्मीर का हिस्सा है उनकी तरफ से कोई तर्जमानी नहीं हो रही है। ही इज एक्सप्लेनिंग दिस फैक्टर। सर,
सर, जम्मू कश्मीर में लगातार जो है महंगाई के लिए हो रहे हैं प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसान आंदोलन कश्मीर वो चल रहा है किसानों के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार कहीं सुनवाई नहीं कर रही है। किस नजर से देखते हैं इस चीज को आप लोग? नहीं, हमने पहले भी इस बारे में हमने पहले भी इस बारे में हमारा क्लियर स्टैंड है। जो फार्मर्स एजिटेशन है, गवर्नमेंट को इस मामले में पॉजिटिव अप्रोच लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ही नहीं, फार्मर्स को भी, दोनों को थ्रू नेगोशिएशंस इस मसले को हल करना है। गवर्नमेंट्स पीपल, गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, इस सिलसिले में गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, फार्मर्स के दरमियान कोई ना कोई नेगोशिएशन होकर मसले को हल करना है। जम्मू कश्मीर में जो सबसे अहम मुद्दा है वो है आतंकवाद, जो जम्मू कश्मीर को जो है खा गया, लेकिन जितनी पार्टीज़ हैं उन्होंने जो है इसके लिए वक्तन फ़वक्तन, आप भी पीडीपी सरकार में थे, पॉलिसीज़ बनी, रिजोल्यूशन पॉलिसीज़ बनी, और अब जो बीजेपी सरकार आई, सख्ती भी हुई, नरमी भी, तब भी जो आतंकवाद जो है बढ़ रहा है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान से बात करके जो है इसका हल निकलेगा, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वो लोग जो ये भी कहते हैं कि वो लोग के सारे इससे मुतमईन नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जो ये लोग भी कहने वाले हैं कि पहले इलाक हो गया था तीन ही चीज़ों पे, उस वक्त भी यही था कि जो ये फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये तो मरकज का ज्यूरिसडिक्शन है। तो चूंकि अगर कोई बात जम्मू कश्मीर के बाहर या मुल्क की रियासत से बाहर किसी मुल्क के साथ करनी है, यह दायरे इख्तियार तो मरकज़ का है, ये स्टेट का दायरे इख्तियार नहीं है, यहाँ का दायरे इख्तियार नहीं है। किसी के कहने या न कहने से इसमें फ़र्क नहीं है। कोई भी कुछ आइडियोलॉजी रख सकता है, सोच रख सकता है, देयर कैन बी एकेडमिक सोच हो सकती है, मसलन किसी को ऐसा होना चाहिए मसले का हल, ऐसे होने का मसले का हल, एवरीबडी इज विद इन हिज राइट्स टू हैव हिज ओन थाट्स, बट एक्चुअली इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव, इट इज़ नॉट सिविल गवर्नमेंट। मसलन यहाँ प्रॉब्लम हो गई जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो बरसर इकदार पार्टियाँ आई वो भी फॉरेन अफेयर्स पर डिस्कस करती हैं, वो भी डिफेंस मैटर्स पर डिस्कस करती हैं, जो उनका अधिकार है नहीं। एक सवाल पिछली पार्टी को लेकर, जहां पे आप पीडीपी के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं, जब पीडीपी सरकार आज बात कर रही है कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, जब पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन बनी, तब उनको जो है एनसी ने भी अप्रोच किया कि हमारा सरकार बनाओ, कांग्रेस ने अप्रोच किया कि हमारे साथ बनाओ, लेकिन पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन होती है, क्या उन्हें उस टाइम पता नहीं होता कि जब बीजेपी सरकार आएगी आर्टिकल टूटेगा, स्टेटस चेंजेगा? देखिए, मैं ये नहीं वो समझता हूँ कोई भी पार्टी क्या उसका क्या पॉलिटिकल स्टैंड होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं उस वक्त स्थिति देखी जाती है कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन उस वक्त देखा जा सकता है। ये हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोता अंदेशी है कि जिस वक्त वो इकट्ठे रहते हैं, इकदार में रहते हैं, तब कुछ सब कुछ अच्छा लगता है, जब अलहदा हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी को लेकर जो वक्तन फ़वक्तन इल्ज़ाम लगते हैं कि बीजेपी जो की बी फेस पार्टी जो है अपनी पार्टी है, देखिए मुझे ये बताइए, आप कोई नाम हमें दे दें, हमें नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने ये भी मुझसे सवालात पूछे, शायद मैंने क्लियर तौर पे आपको अपनी पार्टी का स्टैंड दिखाया, दैट मीन्स हमारी अपनी पार्टी का अपना पॉलिटिकल स्टैंड है हर एक इशू पे, बीजेपी का अपना पॉलिटिकल स्टैंड है, तो खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यू आर वेरी गुड जज to find what the reality is। हाँ, उनका इल्ज़ाम लगाना ये है इस बात पे कि जब जम्मू कश्मीर के लोग एक आवाज़ चाहते थे, जब उनको कोई पूछता नहीं था, ये मसाइब में फंसे हुए थे खासकर वादी के लोग, उस वक़्त किसी ने हिम्मत नहीं की उनकी बात करने की, उस वक़्त अब
अपनी पार्टी अल्ताफ साहब की क़यादत में निकली और लोगों के मुश्किलात प्राइम मिनिस्टर की नोटिस तक लाए। उस चीज़ को आप क्या नाम दें मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन वी टेक द क्रेडिट कि उस वक्त जब हमने ये आवाज़ उठाई, उस वक्त आप अगर देखेंगे वादी में उस वक्त ये खौफ था कि आप डेमोग्राफिक चेंज होगी। जब हम उठे प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर केम ऑन रिकॉर्ड कि कोई भी सवाल ये नहीं उठता है कि डेमोग्राफिक चेंज होगी। उस वक्त ये सवाल था कि नौकरियां चली जाएंगी, अब नौकरियां ऑल इंडिया लेवल मेरिट पे आ जाएंगी। जब हम मिले तो प्राइम मिनिस्टर से ये कर दिखाया कि सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उस वक्त जमीनों का खदशा था, जमीनें सारी गई। हम निकले तो कानून आ गया। क्या आ गया? सारी एग्रीकल्चर लैंड्स जो जम्मू कश्मीर की हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी देख लीजिए क्या आ गई। उसमें पहले था 90 इयर्स लीज नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए भी, अब सिर्फ 40 इयर्स लीज है। तो अगर इसको हमें कहें किसी की बी टीम, वट एवर, वी कैन बी जज्ड बाय आवर डूइंग्स, बाय आवर प्रिंसिपल्स दैट वी होल्ड, बाय आवर एक्टिविटीज विच वी डू फॉर आवर पीपल। थैंक यू। ये हमारे साथ थे गुलाम हसन मीर साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के। इनका कहना है कि जो इल्ज़ाम लगते हैं अपनी पार्टी पर, ये अपोजिशन पार्टीज जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन हम जो है लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और लोगों की भलाई के लिए ही आगे काम करेंगे। वो आने वाला वक्त बताएगा किस हद तक जो अपनी पार्टी अपने वादों पे खरा उतरती है। फिलहाल के लिए इतना। आप देखते रहिए अर्ली टाइम जम्मू।